हिमाचल प्रदेश में गारंटियों को लेकर कांग्रेस भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। एक तरफ कांग्रेस सरकार 5 सालों में सभी गारंटियों को पूरा करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इन गारंटियों को लेकर सरकार पर हमला बोला हुआ है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि 10 महीने बाद भी गारंटियां पूरी नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा है कि चुनावों के समय प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 1500 रुपये पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन ये वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेताओं ने चुनाव के समय लोगों को झूठी गारंटियां दी थी, लेकिन अब ये नेता गारंटियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सड़कों पर उतरने की बात ही नहीं है, गारंटी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की तो गारंटी थी नहीं। ये गारंटी है प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेश बघेल, उसके बाद अपना राजीव शुक्ला और इस प्रकार जो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की, सुखविंदर सिंह सुक्कू, मुकेश जी की, तो जनता जो है खुद ही इनका घेराव करेगी गुच्छे गुच्छे पे जाकर। भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने की जरूरत नहीं है, ये गारंटियां जो है इनके लिए खुद ही एक बहुत बड़ा विरोध बन चुकी है, और जिस प्रकार इनकी अंतर्कला है उनका डबल विरोध की इनको बधाई हो।